चीन आए दिन भारतीय सीमा पर दखल देने की कोशिश करता रहता है और भारत हर बार उसे खदेड़ देता है। ऐसे में दोनों देशों के आमने सामने आने की स्थिति में उनकी शक्तियों को जानना बेहद जरूरी है। बात सबसे पहले सैनिकों की करें तो भारत के पास कुल सैनिकों की संख्या 34,62,500 है, वहीं चीन के पास 26,93,500 है। यानी सैनिकों के मामले में भारत चीन से आगे है। बात दोनों देशों के कुल परमाणु हथियारों की करें तो भारत के पास कुल 110 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं चीन के पास 260 परमाणु हथियार हैं। एयरक्राफ्ट की संख्या में चीन फिलहाल हमसे आगे है। भारत के पास जहां 2,123 एयरक्राफ्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के पास 3,210 एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसमें राफेल को सम्मिलित नहीं किया गया है। राफेल के आने के बाद भारत चीन के सामने और मजबूत होगा। लड़ाकू विमानों की बात करें तो यह भारत के पास 538 है, वहीं चीन के पास 1,232 है, जबकि भारत के पास हेलीकॉप्टर की संख्या 722 है, तो वहीं चीन के पास 911। इसके साथ ही जहां भारत के पास 4,292 लड़ाकू टैंक, 8,686 वख्तरबंद लड़ाकू वाहन, फील्ड आर्टिलरी 4,060, रॉकेट लॉन्चर 266 है, जबकि चीन के पास 3,500 लड़ाकू टैंक, 33,000 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 3,800 स्वचालित आर्टिलरी, 3,600 फील्ड आर्टिलरी और 2,650 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। अगर युद्ध मिसाइलों का होता है तो दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने का मादा रखते हैं। जी हाँ, क्योंकि भारत के पास 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल है, जिसके जद में चीन का ज्यादातर हिस्सा है। वही चीन के पास DF-41 मिसाइल है। दावा है कि मिसाइल 30 मिनट अमेरिका पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज 9,320 किलोमीटर है। इसे परमाणु हथियार ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें, ये आंकड़े ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के अनुसार बताई गई है। दरअसल ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की शक्तियों पर नजर रखती है। वेबसाइट के मुताबिक भारत दुनिया की सैन्य शक्तियों में 4थे स्थान पर है, तो वहीं चीन 3रे स्थान पर। ऐसे में रक्षा जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इसका खामियाजा देशों को संकट में डालेगा।